फ्रेंड्स, एज यू नो दैट इन द लास्ट वीडियोस वी हैव कवर्ड आवर चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेल। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर दैट इज टिश्यूज, प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। सो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस में ये बताया था कि जो टिश्यूज होते हैं वो कैसे बनते हैं, नंबर ऑफ सेल्स जब कंबाइन होते हैं तब वो टिश्यू बनाते हैं, दैट इज जब बहुत सारे सेल्स कंबाइन होते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। What is a tissue? It is a group of similar cells performing a specific function. मतलब बहुत सारे similar cells इकट्ठा होते हैं और वो एक specific function करते हैं, तो जो similar cells का group होता है that is known as the tissue. Example, जैसे हमारे human body में muscular tissue कैसे बनता है? With the help of muscle cells. मतलब cells combine होते हैं तब muscular tissue बनता है। वैसे ही epithelial tissue क्या होता है? जो हमारी सबसे outer covering होती है skin की, that is known as the epithelial tissue. तो वो भी कैसे बनता है? जब हमारे skin cells जो होते हैं वो combine करते हैं and they form epithelial tissue. प्लांट्स के केस में जाइलम एंड फ्लोएम जो वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम वो भी किसके बने होते हैं? यूनिट्स ऑफ सेल्स। प्लांट सेल बिगनिंग टू द प्लांट टिश्यू, दैट इज प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दो हैं, तो हम फर्स्ट क्या स्टार्ट करेंगे? प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू हमारे पास इसके दो टाइप्स हैं इस प्लांट टिश्यू के अंदर, दैट इज मेरिस्टमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टमेटिक टिश्यू, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, मेरिस्टमेटिक मतलब एम फॉर मेरिस्टमेटिक एंड एम फॉर मल्टीप्लाई, मतलब मेरिस्टमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जहाँ पे वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते हैं, मतलब जो टिश्यू या जो सेल्स कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते हैं उन्हें हम कहते हैं मेरिस्टमेटिक सेल्स और मेरिस्टमेटिक टिश्यू। मेरिस्टमेटिक सेल्स से ही क्या बनते हैं? मेरिस्टमेटिक टिश्यू। तो मल्टीप्लाई एंड दे प्रोड्यूस न्यू सेल्स, मतलब वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, वो डिवाइड होते रहते हैं एंड दे प्रोड्यूस न्यू सेल्स और वो नए सेल्स बनाते रहते हैं। परमानेंट, इनका कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन ही होता कि हाँ बस ये यही करेंगे, ओके। वेयर एज इन केस ऑफ परमानेंट, परमानेंट मीन्स नॉन डिवाइडिंग। परमानेंट नाम से ही पता चल रहा है कि वो नॉन डिवाइडिंग है, मतलब वो टिश्यूज या वो सेल्स डिवाइड नहीं करेंगे। एंड दे हैव अ स्पेशलाइज्ड फीचर, मतलब उनका कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन हो चुका है, वो टिश्यू या वो सेल स्पेशलाइज हो चुके हैं कि इनको यही काम करना है, देयरफॉर दीज आर नोन एज द परमानेंट टिश्यू। फर्स्ट इज आवर मेरिस्टमैटिक टिश्यू, जिसे हम मेरिस्टेम भी कहते हैं। अब मेरिस्टमैटिक टिश्यू क्या होते हैं? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। तो वो कहाँ पे पाए जाएंगे? दे विल बी फाउंड एट ऑल द ग्रोइंग पॉइंट्स, मतलब वो हर ग्रोइंग पॉइंट्स में दिखाई देंगे। एग्जाम्पल दैट इज टिप ऑफ रूट और स्टेम। इमेजिन दिस इज अ रूट और ये रूट्स की क्या है? टिप। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? मेरिस्टमैटिक टिश्यू जो एक्टिवली डिवाइड करेगा, जो नए सेल्स बनाएगा और इस वजह से जो रूट्स है वो उनकी ग्रोथ होगी, ओके। और मेरिस्टमैटिक टिश्यू इट वुड ऑल्सो बी प्रेजेंट इन बिटवीन बार्क एंड वुड ऑफ ट्री, मतलब ट्री की जो बार्क होता है और जो उसकी वुड होती है उसके बीच में भी मेरिस्टमैटिक टिश्यू होता है। अब वो वहाँ पे क्यों होता है? To increase the diameter of stem, ताकि वो मेरिस्टमैटिक टिश्यू डिवाइड करे और वो इंक्रीज करे क्या? स्टेम का डायमीटर, मतलब उसकी चौड़ाई इंक्रीज करे, उसका गर्थ इंक्रीज करे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यू, अगर हमारे पास कोई भी टिश्यू दिया जाए और हमें उसे ऑब्जर्व करना हो कि वो मेरिस्टमैटिक है परमानेंट है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल मेरिस्टमैटिक टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए कि मेरिस्टमैटिक टिश्यू एक्चुअल में दिखता कैसे है, मतलब अगर हमें ऑब्जर्व करना है तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो फर्स्ट इज स्मॉल सेल्स, सेल्स क्या होंगे? स्मॉल साइज के होंगे। उनकी शेप क्या होगी? क्यूबिकल शेप होगी। जो सेल वॉल होगी वो कैसी होगी? थिन, थिक सेल वॉल नहीं होगी, बट द सेल वॉल इज थिन। न्यूक्लियाई जो होंगे, मतलब जो न्यूक्लियस होंगे उन सेल्स के अंदर, वो लार्ज होंगे। वैक्यूल्स एब्सेंट, वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। और देयर वुड बी नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल्स, मतलब सेल्स के बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगी, मतलब एक सेल इधर है तो एक दूसरा सेल बिल्कुल टाइटली पैक्ड है उसके साथ, ताकि उसके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। देख सकते हैं देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस। एक्टिवली डिवाइड करेंगे ताकि नए सेल्स बने। अब जो नए सेल्स बनते हैं दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द परमानेंट टिश्यू, वो क्या बनाएंगे? परमानेंट टिश्यू।
जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू है वो दो तरह का होता है. फर्स्ट इज एपिकल, जिसे हम टर्मिनल भी कहते हैं. सेकेंड इज लेटरल, जिसे हम कैम्बियम भी कहते हैं. तो एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू क्या होता है? एपिकल मतलब जो एपिक्स में प्रेजेंट होता है, जो टॉप में प्रेजेंट होता है. तो इट इज प्रेजेंट ऑन द टिप्स ऑफ रूट्स, मतलब रूट्स के टिप में जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू या फिर टर्मिनल. ओके, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द ग्रोइंग यंग लिव्स. जो यंग लिव्स ग्रो कर रही होती हैं उनमें भी एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है. इट इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द टिप्स ऑफ ऑक्सिलरी बड्स, मतलब अगर ये स्टेम है, ये ऑक्सिलरी बड है, तो इस ऑक्सिलरी बड में भी क्या प्रेजेंट होगा? एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू, क्योंकि इसको क्या करना है? ग्रो करना है. तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा? एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू. और लीफ में भी, अगर लीफ की ये है लीफ, तो इसके टिप में भी क्या प्रेजेंट होगा? एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू, जो लीफ को इंक्रीज करेगा. सेकेंड इज लेटरल, जिसे कैम्बियम कहते हैं. इट इज प्रेजेंट बिलो बार्क, बार्क के अंदर वाली साइड प्रेजेंट होता है. और जैसे कि हमने यहाँ भी पढ़ा कि क्या इंक्रीज करता है? डायमीटर, डायमीटर और इंक्रीज द गर्थ ऑफ द स्टेम. ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ द स्टेम. परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू वो टिश्यूज होते हैं जिनमें डिवाइड करने की जो कैपेसिटी है या एबिलिटी है वो खत्म हो चुकी होती है. मतलब परमानेंट टिश्यू स्पेशलाइज टिश्यू होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, पर वो डिवाइड नहीं होते उनमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं. लोस्ट एबिलिटी टू डिवाइड. अब जो परमानेंट टिश्यू है वो लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं. लिविंग मतलब उनमें जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होगा, एंड डेड मीन्स जिनमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होगा. जो परमानेंट टिश्यू है वो थ्री टाइप्स के हैं. फर्स्ट प्रोटेक्टिव, सेकेंड सपोर्टिंग, थर्ड कंडक्टिंग. आप फ्लो चार्ट में ही लिखे जैसे मैंने लिखा है, ये समझने के लिए भी आसान होता है और मार्क्स भी इसमें बहुत स्कोरिंग होते हैं. प्रोटेक्टिव भी तीन में है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. कंडक्टिंग, जाइलम एंड फ्लोएम. फर्स्ट हम चलते हैं प्रोटेक्टिव के लिए. प्रोटेक्टिव, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. वो ऐसे टिश्यूज होते हैं जो प्रोटेक्शन करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. तो इनकी सेल वॉल कैसी होगी? थिक सेल वॉल होगी. अगर सेल वॉल थिक होगी तभी तो वो अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएंगे. दे आर फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ रूट्स, स्टेम एंड लीव्स. वो रूट्स, स्टेम्स और लीव्स के सर्फेस में पाए जाते हैं. एग्जाम्पल है, एपिडर्मिस ऑफ लीव सीक्रेट वैक्सी वाटर प्रूफ मटीरियल. जो लीव है, तो लीव के जो एपिडर्मिस है, जो बाहर वाली लेयर है, वो क्या सीक्रेट करती है? वैक्सी वाटर प्रूफ मटीरियल, जिसकी वजह से लीव का जो इनर पार्ट है वो प्रोटेक्टेड रहता है. तो बेसिकली जो एपिडर्मिस है वो क्या प्रोवाइड कर रही है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है. नेक्स्ट इज सपोर्टिंग. सपोर्टिंग मतलब कि जो सपोर्ट दे रही है किसी चीज को. इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा वो सेल्स होते हैं जो थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं. दे आर नोन एज द पैरेन्काइमा सेल्स. डिफरेंट शेप्स होती हैं, ओवल होती है, पॉलीगन होती है, मतलब बहुत सारी इनकी शेप्स वेरी कर सकती हैं. हैव सिंगल लार्ज वैक्यूल. इस पैरेन्काइमा सेल में सिंगल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है. फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट. और पैरेन्काइमा कहाँ प्रेजेंट होता है? जो भी प्लांट के जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं, डेलिकेट पार्ट्स होते हैं, ये पैरेन्काइमा सेल्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं. एग्जाम्पल कॉर्टेक्स और पिथ. और ये जो पैरेन्काइमा है, इसका स्टोरिंग मटेरियल क्या है? स्टार्च. इट स्टोर्स स्टार्च. अब लीफ की बात करें तो लीफ के अंदर जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं उन्हें हम पैरेन्काइमा नहीं कहते, उन्हें हम कहते हैं कोलेन्काइमा. व्हाट वी से देयर? कोलेन्काइमा. पैरेन्काइमा इन लीव्स आर नोन एज कोलेन्काइमा. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे देख लीजिए. ओके, सो मूविंग टू अ डायग्राम ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स. मैंने यहाँ पे पैरेन्काइमा सेल्स बनाए हैं, आप देख सकते हैं. एक सिंगल वैक्यूल है, जैसे हमने पढ़ा कि लार्ज वैक्यूल, सिंगल लार्ज वैक्यूल. तो हर सेल में एक सिंगल लार्ज वैक्यूल है. स्टार्च ग्रेन्यूल्स हैं क्योंकि स्टार्च को स्टोर करता है, और बाकी जो उसमें साइटोप्लाज्म वगैरह है. तो दीज आर द पैरेन्काइमा सेल्स. नेक्स्ट है कोलेन्काइमा. कोलेन्काइमा वो टिश्यूज होते हैं जिनमें इलोंगेटेड सेल्स दिखाई देते हैं. जैसे यू कैन सी हियर, ये कैसे हैं? इलोंगेटेड सेल्स हैं. तो कोलेन्काइमा हैव इलोंगेटेड सेल्स. अब जो सेल्स इलोंगेटेड हैं, इनकी जो सेल वॉल है, दे आर थिकन्ड एट कॉर्नर्स. वो कहाँ से थिकन्ड है?
कॉर्नर से। जैसे ये सेल है, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये सेल है, तो ये सेल की अगर सेल वॉल है तो जो सेल की सेल वॉल है वो कहाँ से थिकन है? कॉर्नर से, यहाँ से, यहाँ से एंड फ्रॉम हेयर ऑल्सो, मतलब वो हर कॉर्नर से थिकन है, उसमें कोई ना कोई डिपोजिशन है। एग्जाम्पल फाउंड बिलो एपिडर्मिस ऑफ स्टेम, अगर हम स्टेम की एपिडर्मिस को देखें माइक्रोस्कोप के अंडर तो हमें क्या दिखाई देता है कि जो उसके एपिडर्मिस का, एपिडर्मिस के नीचे वाला पार्ट होता है उसमें कॉलन काइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसमें जो सेल्स हैं वो कहाँ से थिकन होते हैं? कॉर्नर से। ओके, एंड ये जो कॉलन काइमा सेल्स है दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, किसमें हेल्प करते हैं? फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इज स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा जो होते हैं दे हैव लॉन्ग नैरो सेल्स एंड आर डेड, इनमें लॉन्ग सेल्स होते हैं जैसे फाइबर लाइक टाइप बोल सकते हैं, बहुत लॉन्ग थ्रेड लाइक कहते हैं, नैरो सेल्स एंड डेड, वो सेल्स कैसे होते हैं? डेड। और उनकी सेल वॉल में जो डिपोजिशन होती है उसकी, किस चीज की डिपोजिशन होती है? लिग्निन, लिग्निन जो है वो डिपोजिशन प्रेजेंट होती है सेल वॉल में, किसकी सेल वॉल में? स्क्लेरेन्काइमा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्क्लेरेन्काइमा की सेल वॉल में कौन सी डिपोजिशन पाई जाती है, दैट इज लिग्निन। नाउ स्क्लेरेन्काइमा प्रोवाइड स्ट्रेंथ, वो क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ टू अ प्लांट। दे आर फाउंड इन द वेन्स ऑफ लीफ, अगर ये लीफ है तो इस लीफ के जो वेन्स हैं, तो इस वेन्स में क्या, कौन से टिश्यू दिखाई देगा? स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। और जो हमने पैरेन्काइमा पढ़ा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, इन तीन टिश्यूज को हम क्या कहते हैं? सिंपल टिश्यू, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो बहुत ही कम होती है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है सिंपल टिश्यू। दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज लेक्चर, इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टडी अबाउट कनेक्टिंग टिश्यू। Do subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Thank you so much.